जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में असेंबली में शिवसेना का दफ्तर सील कर दिया गया है। मराठी में नोटिस चस्पा, स्पीकर चुनाव के लिए दोनों गुटों से व्हिप जारी कर दिया गया। दोस्तों, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई नित नए आलाम ले रही है। स्पीकर चुनाव से पहले असेंबली में स्थित शिवसेना के दफ्तर को सील कर दिया गया। मराठी में एक नोटिस मुख्य द्वार पर चस्पा किया गया है। दोस्तों, आदित्य ठाकरे का कहना है कि उन्होंने खुद अपने दफ्तर पर ताला मारा है, चाबी उनके पास है। उनका कहना है कि सिंध ग्रुप ने उनके विधायकों को ताले में बंद करके रखा। अगर उन्होंने दफ्तर पर ताला मार दिया होता तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होती। इधर इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सिंध गुट ने शिवसेना के दफ्तर को सील किया है। असेंबली में फिलहाल स्पीकर का चुनाव चल रहा है। उद्धव ठाकरे की ओर से सुनील प्रभु और एकनाथ शिंदे की ओर से भारत गोगावाले से व्हिप जारी किया। दोस्तों, उद्धव ठाकरे से बगावत कर मराठी सियासत में हलचल मचाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये पहला शक्ति प्रदर्शन है। डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल स्पीकर पोस्ट के लिए वोटिंग करा रहे हैं। दोस्तों, सूबे की सियासी हालात नाजुक हैं, इस वजह से स्पीकर के चुनाव को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। विधानसभा कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। असेंबली में 9 कैमरे लगाए गए हैं, एक कैमरा विधान अध्यक्ष की चेयर पर लगाया गया है। दोस्तों, शिवसेना संजय रावत ने कहा है कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। हमारा वजीर और जमीर अभी जिंदा है, हम बचेंगे भी और लड़ेंगे भी। दोस्तों, शिवसेना के बागी विधायक शनिवार रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वापस मुंबई लौटाए। उनकी वापसी 11 दिन बाद हुई है। सभी बागी विधायक मुख्यमंत्री के साथ मुंबई के होटल ताज पहुंचे हैं। यहां बीजेपी नेताओं और शिवसेना के बागी विधायकों ने आगे की रणनीति तैयार की है। दोस्तों, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बागी विधायकों से मिलने ताज पहुंचे थे। जहाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि 20 जून को एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 20 विधायक सूरत पलायन कर गए थे। एहतियात के तौर पर विधायकों को फिर गुवाहाटी ले जाया गया। इसी बीच गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से फैसला उल्टा होने पर उद्धव ठाकरे ने 29 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इस खबर को जनसत्ता ने अपनी वेबसाइट पर दिखाया है। आपकी क्या राय, इस पूरी खबर को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।